ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो ही गया। 21 नवंबर 2021 को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी नवनियुक्त कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से विस्तृत चर्चा के बाद ये पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद अब प्रदेश को नया चिकित्सा मंत्री भी मिल गया है। लालसोट से विधायक परसादी लाल मीणा को यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले गुजरात प्रभारी व कांग्रेस विधायक रघु शर्मा चिकित्सा विभाग की कमान संभाल रहे थे। अब नए चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बुधवार को सचिवालय स्थित कार्यालय में अपना पदभार संभाला। इस दौरान परसादी लाल मीणा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए परसादी लाल मीणा ने आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के व्यापक स्तर पर प्रयास करने की भी बात कही। कोरोना महामारी से बचाव के लिए परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में 83% से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और 53% से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों डोज लगाए बिना कोरोना से लड़ाई अधूरी रहेगी। ऐसे में अधिकारियों को टाइम बाउंस प्रोग्राम बनाकर जल्द से जल्द दूसरी डोज से वंचित लोगों का वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मीणा ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना काल को बेहतर उपयोग करते हुए चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम किया है। इसी कड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा निशुल्क जांचें और दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि आगामी दिनों में सभी CHC और PHC पर हर जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ग्रामीणों को उपचार के लिए शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़े। परसादी लाल मीणा ने कहा कि लालसोट जो मॉडल हमने बनाया उस मॉडल को माननीय विधायकों से कहेंगे उसको सारी विधानसभा क्षेत्रों में लागू करें, चाहे पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के हो, सबको पत्र लिखकर उसे निवेदन करेंगे। तो गांव स्तर पर उनकी जांच हो जाएगी तो यहाँ आएगी नहीं, प्राथमिक तौर पर जांच हो जाएगी तो गंभीरता बीमारी कम होगी। आपको बता दें, सचिवालय में अपना पदभार संभालने के बाद चिकित्सा मंत्री के कार्यालय और आवास पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग रहा है। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधिगण, संस्थाओं और चिकित्सा विभाग के विभिन्न संगठनों ने माला पहनाकर, बुके देकर और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।